नमस्कार जय भवानी दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस में तो दोस्तों जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी क्लास टेंथ पर डिस्कस कर रहे हैं तो आज की क्लास भी क्लास टेंथ के ऊपर ही है तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन तो दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसी में प्रॉब्लम होता है कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें मीन्स कैसे क्या कैसे करें कैसे हमें इजी स्टेप्स मिले कैसे हम आसानी से देखते ही पता चल जाए कि रिएक्शन ऐसे इसके साथ कोफ़िशेंट जुड़े कैसे रिएक्शन करें ओके तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं कि बैलेंस क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें ए प्लस बी एंड सी प्लस डी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के अंदर एटम्स और प्रोडक्ट के आइटम्स दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं मीन्स द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर सेम सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज वॉट बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेकेंड वन इज द अनबैलेंस अनबैलेंस मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ओके नाउ जैसे कि क्या होता है कोई भी अगर हम इक्वेशन लेते हैं तो अगर क्या होगा उसमें टू ए प्लस बी देन टू सी प्लस डी इस्टो के ये कोई रिएक्शन होती है जिसमें क्या होते हैं कि टू और वन थ्री टू और वन थ्री दोनों तरफ इक्वल एटम्स है तो हम कहेंगे इक्वेशन क्या है बैलेंस इक्वेशन है अगर हम यहाँ से ये हटा दें तो इक्वेशन क्या होगा इधर थ्री होगा इधर कितने हो गए टू एटम्स हो गए वन एंड टू तो ये क्या है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो दोस्तों हम कुछ केमिकल इक्वेशन पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें मीन्स हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन दिस इज द मेन क्वेश्चन मीन्स फर्स्ट सबसे पहले इक्वेशन हमारी कुछ लिखी हुई है तो ये डिस्कस करेंगे उसके बाद कुछ और रिएक्शन है उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पहले इक्वेशन के लिए पहली इक्वेशन हमारी क्या है सोडियम एन ए इज द सिंबल ऑफ सोडियम सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस सो हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है हमको इसमें सोडियम कितने हैं आइटम एक है यहाँ भी सोडियम एक है ऑक्सीजन यहाँ भी एक है ऑक्सीजन यहाँ भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर वन और टू थ्री है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है हाइड्रोजन यहाँ पर टू है अब बात करनी है कि दोनों तरफ इक्वेशन इसमें क्या कोफिशियंट जोड़ें कि दोनों तरफ क्या हो जाए इक्वल हो जाए तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या जोड़ते हैं अगर हम टू एन ए ले लेते हैं ओके टू एन ए अगर हमने लिया क्योंकि वन एन ए तो है नहीं हुई बैलेंस टू लेते हैं तो यहां पर भी क्या आ जाएगा टू एन ए आ जाएगा तो एन ए एन ए के भी टू हो गए और एन ए के यहाँ भी टू हो गए एन ए का तो हो गया बैलेंस अब देखेंगे जब टू लिखा है तो वो ऑक्सीजन के भी टू होंगे फिर हाइड्रोजन के भी टू होंगे नाउ अब हाइड्रोजन देखें कितने हैं यहाँ पर टू तो यहाँ हो गए टू यहाँ पर कितने फोर हाइड्रोजन हो गए हाउ मेनी हाइड्रोजन फोर नाउ अगर फोर हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टू को कितने से मल्टीपल करें कि फोर हो जाए तो टू हाइड्रोजन हो गया टू टू जा फोर हाइड्रोजन कितने हुए फोर नाउ ऑक्सीजन कितने हो गए टू हो गए हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्वल टू कितने फोर हैं और ऑक्सीजन कितने हैं टू हैं सोडियम कितना हो गया टू हो गए अब बात करते हैं सोडियम यहां पर भी कितने हैं टू हैं ऑक्सीजन भी कितने हैं टू और हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए टू तो ये होगा टू कितने हो गए फोर तो देखेंगे सोडियम एक हो गया हाइड्रोजन फोर हो गया ऑक्सीजन टू हो गया तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी है बैलेंस्ड हो चुकी है दिसन इज द बैलेंस इक्वेशन ओके नाउ तो सबसे पहली बात हम रिएक्शन अगर क्या करेंगे बैलेंस करेंगे तो इसमें जितने छोटे से छोटा कॉफिशेंट यूज़ करें उतना अच्छा होता है उतना हमारे लिए ईजी हो जाता है इसको हम बड़े कोई बड़ा कॉफिशेंट भी यूज़ करके कर सकते हैं फोर भी लगा सकते हैं सिक्स भी लगा सकते हैं टेन भी आगे हम जितने हम यूज़ करें वैसे कॉफिशियट लगा के हम बैलेंस कर सकते हैं बट जितना छोटा कोफिशेंट जितना स्मॉल कॉफिशियट लगाते हैं उतना हमारे लिए इक्वेशन को बैलेंस करना ईजी हो जाता है तो सेकेंड देखते हैं एफ पी यहाँ पर कितना है एक है बट प्रोडक्ट में एफ कितना है थ्री तो क्या करना है हमको यहाँ पर क्या लगा देना है थ्री ओके okay? जब यहाँ पर सॉरी हाँ, आयरन इधर भी थ्री है तो आयरन तो है बैलेंस नाउ ऑक्सीजन देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है फोर है यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है सिर्फ वन है तो हमें फोर करने के लिए स्टार्टिंग में क्या लगाना पड़ेगा फोर क्योंकि हाइड्रोजन के भी ये फोर है ऑक्सीजन भी फोर है तो ऑक्सीजन फोर है ऑक्सीजन भी फोर है हमारा बैलेंस ऑक्सीजन भी हो गया नाउ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है फोर टू जाट इधर हाइड्रोजन कितना है टू तो हमें क्या लगाना पड़ेगा फोर लगाना पड़ेगा मीन्स फोर टूजा एट हाइड्रोजन फोर टू जाट हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस आयरन थ्री है आयरन थ्री है यहाँ भी ओके बैलेंस ऑक्सीजन फोर है ऑक्सीजन फोर है ये भी बैलेंस तो हम कहेंगे ये वाली इक्वेशन भी हमारी क्या हो गई बैलेंस हो चुकी है समझ में आया और एक बात इसमें ध्यान रखना कि कोई भी बैलेंस इक्वेशन होती है बैलेंस इक्वेशन होती है वो किसको फॉलो करती है फॉलोज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास ये हम क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा है हमने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट और वी कैन से द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट ओके यही क्या कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है तो किसको फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है ओके नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं एम एन यहाँ पर कितना है ए वन है इधर भी एम एन कितना है वन है कोई बात नहीं नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन यहां पर कितना है तो क्लोरीन टू यहां पर और टू यहां पर है तो कितना हो गया फोर हो गया तो हम यहाँ क्या लग? क्लोरीन यहाँ पर वन है तो यहां पर क्या लगा देते हैं फोर एम एन बैलेंस क्लोरिन भी बैलेंस हो क्योंकि फोर सी एल टू फोर यहाँ भी हो गया सी एल टू सी एल टू फोर यहाँ हो गया बैलेंस एम एन बैलेंस सी एल टू बैलेंस नाउ बैलेंस द दॉटर बैलेंस द वॉटर हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन कितना है टू है इधर ऑक्सीजन कितना है वन है तो यहाँ पर क्या लगा दो टू लगा दो तो ऑक्सीजन कितना हो गया टू हाइड्रोजन कितना हो गया फोर और हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी कितना है फोर है तो ये वाली इक्वेशन भी क्या हो जाती है हमारी बैलेंस हो जाती है ध्यान से देखो कि समझ में आता जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन आती है एच एन ओ थ्री दिस वन इज द वॉट इज द नेम ऑफ फर्स्ट पिछली वाली इक्वेशन देखते हैं तो नाम क्या है इसका मैगनीज ऑक्साइड मैगनीज ऑक्साइड दिस वन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मैगनीज क्लोराइड मैगनीज क्लोराइड ओके okay. इसके फॉर्मूले के नेम भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस भी तभी कर पाओगे जब केमिकल नेम पता होगा या फिर केमिकल नेम से केमिकल फॉर्मूला पता होगा तभी हम कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं अभी आगे हम बताएंगे कैसे करेंगे ओके नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन एच एन ओ थ्री ये क्या है नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है केमिस्ट्री में अगर पढ़ते हो तो फॉर्मूला के बिना केमिस्ट्री जीरो है तो फॉर्मूला का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है गाइज ठीक है ओके सीओ एस टाइस हम काफी बार बता चुके हैं सी एस ट्राइस क्या है कैल्शियम कैल्शियम ओ एच मीन्स हाइड्रोक्साइड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड कैल्सियम हाइड्रोक्साइड दिस वन इज दी ए मीन्स कैल्शियम एन नो थ्री मीन्स नाइट्रेट ओके क्लियर ना ओके ये तो नेम हो गए अब हम बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को सबसे पहले हम बात करेंगे इसको मिटान देते हैं रफ कर देते हैं ये लिख ही लिया होगा आप लोगों ने ओके एच एनओ थ्री एच अब सबसे पहले हम देखते हैं कि NO के NO3 के कितने है? टू है। तो सबसे पहले इक्वेशन को ये नहीं कि एच को कंपेयर नहीं पहले देख लो इसमें कुछ ऐसी चीज जरूर होगी इस इक्वेशन में जो कि हमको हेल्प करेगी तो एनओ थ्री कितना है टू है फुल एनओ थ्री का ट्वाइस है तो ट्वाइस एनओ थ्री यहां पर एनओ थ्री कितना है वन है तो यहां पर क्या लगा दो टू लगा दो तो एनओ थ्री यहां पर कितना हो गया टू एनओ थ्री यहाँ पे टू हो गया क्लियर नाउ अब देखते हैं कि जब एच के यहाँ पर कितना हुआ टू है सी ए का एक है सी ए का एक है नाइट्रोजन नाइन हाइड्रोजन कितने हो गए टू ये हैं हाइड्रोजन यहाँ पर टू और टू ही ये लगे हुए ओ OH एच का ट्वाइस मतलब एच का भी टू है ओ का भी टू है तो हाइड्रोजन के दो टू यहाँ पर और टू यहाँ पर टोटल टू टू फोर मीन्स हाइड्रोजन फोर हो चुके हैं और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है टू है तो यहाँ पर क्या लगा दो फोर सॉरी टू 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 द फोर हाइड्रोजन के फोर हो गए ऑक्सीजन कितना हो गया टू हो गया तो ऑक्सीजन के ऑलरेडी यहां पर कितने हैं है, है. NO3 का ट्वाइस हो कहेंगे भी है? पर NO3 तो अब बात करते हैं इस इक्वेशन के अंदर ए एल की बात करेंगे ए एल रियक्ट कर रहा है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है ए एल सी एल थ्री मीनस एल्यूमिनियम क्लोराइड तो क्या होगा और साथ में क्या भी निकल रही है हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है सबसे पहले हम बात करते हैं ए एल ए के एक है एच यहाँ पर टू है यहाँ पर एच वन है तो अगर हम टू एच लगाते हैं तो एच तो बैलेंस हो जाएगा ए एल भी बैलेंस है पर सी एल बैलेंस नहीं होगा क्यों नहीं होगा अब देख लेते हैं थोड़ी सी हम बात करते है, हैं यहाँ पर ट्रिक यूज करेंगे थोटी सी ट्रिक जो कि आगे फ्यूचर में भी याद रखिएगा इसको तो सी एल के टू हैं सी एल टू आता है सी एल के कितने आगे थ्री तो जब टू और थ्री का ऐसी कंडीशन बन जाए तो टू और थ्री का डायरेक्ट एलसीएम ले लेना टू और थ्री का एलसीएम होता है सिक्स तो थ्री को कितने से मल्टीपल की जाए कि सिक्स बन जाए तो टू से क्लियर टू थ्री टू जा सिक्स और टू को कितने से मल्टीपल की जाए कि दो तो, तो क्या बन जाए तो यहां पर भी क्या आ जाएगा सिक्स टू को कितने से मल्टीपल की जाए कि क्या सिक्स बन जाए थ्री से मल्टीपल की जाए तो सी एल तो टू पहले ही बता रहा था अभी सी एल थ्री टू जा सिक्स और टू थ्री जा सिक्स सिंपल देखते हैं टू थ्री जा सिक्स तो सी एल के तो हो गए सिक्स ओके ए एल के टू है तो ए एल का यहाँ भी टू लगा दो एल टू हो गया ए एल टू हो गया बैलेंस सी एल टू सी एल सिक्स हो गया सी एल के टू थ्री या सिक्स सी एल भी सिक्स हो गया नाउ हो एच के कितने हैं यहाँ पर सिक्स है तो टू थ्री या सिक्स थ्री टू जो सिक्स और टू थ्री सी एच के भी क्या होगा सिक्स तो इसी के साथ हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एन ए टू सी ओ थ्री दिस वन इज द सोडियम कार्बोनेट क्या है ये सोडियम कार्बोनेट ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो बात करते हैं सबसे पहले देखेंगे यहाँ एन ए के कितने हैं टू हैं बाकी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा तो एन ए के टू है तो यहाँ पर भी क्या लगा दो टू लगा दो कोई भी इक्वेशन अगर दी होगी तो उसमें हिंट दे दिया होता है बस हमें ज़रूरत है हिंट को पहचानने की ओके एन ए के टू लिया एन ए बैलेंस हो गया ना सी एल के कितने हो गए टू ये हो गए तो सी एल के कितने हुए टू तो यहाँ पर क्या लगा दो टू जब यहाँ पर टू लगाएंगे तो सी एल के टू हो गए अब हाइड्रोजन के भी कितने हो गए टू हो गए तो हाइड्रोजन के टू ऑलरेडी दिए हुए हैं एन ए बैलेंस हो गया सी एल बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया नाउ अब बात करते हैं कार्बन कार्बन वन है कार्बन वन है कार्बन भी बैलेंस हो गया नाउ ऑक्सीजन कितने हैं थ्री हैं। तो टू ये है और वन ये है ऑक्सीजन ये भी थ्री हो गया तो हमारे इसी के साथ ये इक्वेशन भी क्या हो गई बैलेंस हो गई नाउ अब बात करते हैं ये के सी एल ओ थ्री को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है के सी एल बन जाता है और ओ टू बन जाता है कंडीशन समझो यहाँ पर अभी पीछे बताया था थ्री आ गया और टू आ गया टू और थ्री अगर थ्री इधर दिया टू या फिर थ्री इधर और टू इधर दिया हो तो दोनों का कैल्शियम ले लो टू थ्री जा सिक्स क्लियर सिक्स अगर होता है तो थ्री और टू का एल्शियम सिक्स तो टू को कितने से मल्टीपल कि सिक्स बन जाए थ्री से थ्री टू जा सिक्स और थ्री को कितने से मल्टीपल कि सिक्स बन जाए टू से तो टू यहां पर लगा दो ऑक्सीजन बैलेंस टू थ्री या सिक्स तो थ्री टू ऑक्सीजन बैलेंस नाउ के सी एल कितना हो गया टू हो गया तो यहां पर क्या लगा दो टू के सी एल लगा दो इसी के साथ हमारी ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई बैलेंस हो गई स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं स्क्रीन शॉट भी इसका ओके नाउ अब कुछ नेक्स्ट और एग्जांपल है हमारे पास अभी देखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट हमारे इक्वेशन यहां रहने वाली हैं ओके नाउ अब एक इक्वेशन एक आती है कि हाइड्रोजन बर्न इन एयर हाई, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन एयर ओके एयर मीन्स ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के पेंस में इसको बर्न करते हैं तो हमारा क्या बनता है वाटर बनता है वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर एच टू एंड अलोंग विद सल्फर डाईक्साइड फॉर्मूला ऑफ सल्फर डा ऑक्साइड सल्फर और डाइऑक्साइड मीन ओ टू ओके बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को कैसे करेंगे सबसे पहले देखेंगे एच के टू है एच के टू है कोई डाउट नहीं है एस का वन है एस का वन है कोई डाउट नहीं है ऑक्सीजन कितना है टू है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो रहा है थ्री हो रहा है तो कंडीशन क्या करेंगे टू इधर हो गया थ्री हो गया फिर से वही कंडीशन देखेंगे पर एक के साथ में ये डिफरेंट है ये तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या करना होगा हमको यहाँ पर थ्री ऑक्सीजन कर दो क्या कर दो थ्री ऑक्सीजन तो थ्री टू जा सिक्स तो टू तो पहले है ही यहाँ पर क्या है पहले यहाँ पर पहले से टू है तो टू ऑलरेडी टू और वन थ्री है नहीं सॉरी सॉरी चलो विनी इसको देखते हैं बैलेंस कैसे करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें हाइड्रोजन दिया ओके तो हम क्या करते हैं इसमें टू लगा देते हैं यहाँ पर एस करके देखते हैं कैसे बैलेंस होता है या नहीं होता है एक बार चेक करते हैं एस के टू हो गया तो यहाँ पर भी टू का क्या लगा एस के भी क्या लगा दो टू लगा दो इससे हमारा एस बैलेंस हो गया ओके सबसे पहले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग जो एलिमेंट होता है उसको बैलेंस करते हैं अगर नहीं होता है जी कंडीशन आती है कि नहीं हो रही है कोई डाउट हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं तो हम पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग जो एलिमेंट होता है पहले हम उसको बैलेंस करते हैं तो सल्फर हुआ टू सल्फर यहाँ भी टू हो गया अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया टू टू झा फोर और वन फाइव हो रहा है ओके टू टू वन फाइव अगर हम फाइव यहां पर लगाते हैं तो फाइव टू जै टेन हो गया तो ये नहीं होगा तो अब देखेंगे हाइड्रोजन बैलेंस कर दो टू टू झा फोर कितना हुआ टू टू झा फोर हाइड्रोजन यहां पर फोर हो रहा है पर हाइड्रोजन अफसोस यहाँ पर कितना है? टू है तो क्या कर दो यहां भी टू लगा दो तो हाइड्रोजन भी अब क्या हो गया बैलेंस हो गया देखो ध्यान से देखना है अभी सल्फर टू सल्फर टू बैलेंस हाइड्रोजन टू टू जहा फोर हाइड्रोजन टू टू जा फोर हाइड्रोजन बैलेंस अब बचा क्या ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कितना टू टू जा फोर फोर तो ऑक्सीजन यहाँ पर, हो, two यहां पर हो, और टू यहाँ पर फोर और टू कितना हो गया सिक्स हाइड्रोजन कितना हो गया सिक्स ऑक्सीजन और यहाँ पर कितना है टू तो टू को मल्टीपल किससे किया जाए कि सिक्स बन जाए तो क्या आ गया थ्री ओके okay? तो हमारा क्या हो जाता है थ्री ऑक्सीजन किया और ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है नेक्स्ट इक्वेशन आती है किया कि फॉस्फोरस बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड फॉस्फोरस वॉट इज द फॉर्मूला फॉस्फोरस पी पी इज द सिंबल बट फॉर्मूला इज पी फोर वैन फॉस्फोरस बर्न इन ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड पी टू ओ फाइव दिस इज द फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड पेंटा ऑक्साइड ओके सिंपल वे से समझना है इसको पी के कितना है फोर है तो पी के यहाँ पर कितना है टू है तो क्या करना पड़ेगा टू लगा दो सिंपल है टू टू ज फोर पी फोर पी के बैलेंस हो गया अब ऑक्सीजन कितना टू फाइव ज़ा टेन ऑक्सीजन टेन है तो टू फाइव ज़्या टेन ऑक्सीजन यहाँ भी टेन हो गया पी के फोर हो गया इसी के साथ इक्वेशन बैलेंस कोई डाउट नहीं ना सिंपल है टेंशन नहीं लेना बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं मस्त क्लास से लेगी बिल्कुल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन डाइसल्फाइड बट जरूरत है दोस्तों तुम्हें इस फॉर्मूला याद करने की अगर फॉर्मूला याद लर्न नहीं होगा याद नहीं होगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सोच समझ में नहीं आने का कुछ नहीं आने वाला क्योंकि कुछ इसलिए समझ में नहीं आने का वाला क्योंकि ये चैप्टर टोटल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड है और फॉर्मूला लर्न करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है ओके कार्बन डाइसल्फाइड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्ट हो रहा है किसके साथ जब हम कार्बन डाइसल्फाइड को एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं एयर कार्बन डाइसल्फाइड को एयर के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं तो हमारी क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है चलो अब बैलेंस कर लेते हैं इसको इसको रफ कर देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं हो पाएगा फिर ज़्यादा सी एस टू एस ओ टू सी ओ टू एंड एस ओ टू सबसे पहले हमने कहा गया कि किसको बैलेंस करते हैं देखते हैं कि और कुछ कुछ बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा सल्फर के यहाँ कितने बता दिया देखो इसने खुद बताता है क्वेश्चन कि ये उसमें ये होने वाला है तो समझ लो वही एस के टू है तो कुछ नहीं है एस का एक है तो यहाँ पर क्या लगा दो बेटा टू लगा दो ठीक है एस का टू हो गया यहाँ पर एस का टू है बैलेंस एस बैलेंस हो गया अब बात करते हैं किसकी कार्बन की कार्बन यहाँ पर वन है कार्बन यहाँ भी बैलेंस तो कार्बन भी बैलेंस है कोई डाउट नो डाउट वेरी गुड सल्फर टू सल्फर टू कार्बन वन कार्बन वन नाउ बचा है क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना हुआ टू टू गए अब टू को कितने से मल्टीपल कि सिक्स बन जाए थ्री से तो बैलेंस हमारी इक्वेशन हो चुकी है फिनिश्ड ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेस कर देता है आयरन को एल्यूमिनियम रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री ओके वट दिस रिएक्शन से बिलोंग्स टू वट अगर याद होगा तो बेटा बताओ क्या होती है ये रिएक्शन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमने पहली क्लास में डिस्कस किया है कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिसप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड फॉर्म एंड फ्रोम देयर कम्पाउंड एंड फॉर्म इट्स कंपाउंड

तो यहाँ पर भी क्या लगा दो एफ के टू हो गया मीन्स एल्यूमिनियम भी टू हो गया एफ भी टू हो गया ऑक्सीजन ऑलरेडी थ्री है तो ऑक्सीजन भी थ्री है तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है सिंपल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद जिंक सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला बी ए सी एल टू बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद जिंक सल्फेट फॉर्मूला जेड एन एसओ फोर रिएक्ट जब दोनों रिएक्ट होती हैं देन व्हाट विल फॉर्म बी ए एस ओ फोर एंड प्लस व्हाट जेड एंड सी एल टू मीन्स वेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद जिंक सल्फेट टू गिव जिंक क्लोराइड एंड द बेरियम सल्फेट ओके ये रिएक्शन पता होगा कौन सी रिएक्शन है बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये कौन सी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है ओके okay? चलो बैलेंस करते हैं बी ए सिंगल है बी ए सिंगल है एसओ फोर सिंगल एसओ फोर सिंगल सिंगल सी एल टू यह तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों पहली बैलेंस हुई पड़ी है इक्वेशन ओके नाउ नेक्स्ट रिएक्शन मीन्स एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड द फॉर्मुला ऑफ कॉपर क्लोराइड सी यू सी एल टू ओके okay. जब एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर एल्यूमिनियम क्लोराइड अभी बताया तो ऊपर फॉर्मूला ए एल सी एल थ्री एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बना लेता है नाउ बात करते हैं अब हमने कहा देखो फोर फिर से वही कंडीशन आ गई सी एल कितना है थ्री और टू क्या करना है सिक्स कर लीजिए तो टू की मल्टीपल करो टू थ्री जा सिक्स और टू थ्री जा सिक्स समझ में आया हाँ जब टू और थ्री की कंडीशन है तो सिक्स कर लो उसको तो थ्री टू या सिक्स और टू थ्री या सिक्स बैलेंस क्लोरीन बैलेंस हो गया एलुमिनियम कितना है यहाँ पर टू है तो टू यहाँ लगा दो एल्युमिनियम भी बैलेंस अब कॉपर कितना है थ्री है तो यहाँ पर क्या लगा दो थ्री लगा दो इसी के साथ हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो जाती है नेक्स्ट इक्वेशन आती है क्या कि कॉपर कैल्स सॉरी कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वाटर सी सॉरी एच टू ओ कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अलोंग विद द वॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन देखो भाई सिंपल सी रिएक्शन है ये भी कैल्शियम एक है कैल्शियम यहाँ भी एक है कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोजन यहाँ टू टू फोर है हाइड्रोजन कितना है हाइड्रोजन फोर तो यहाँ पर टू की मल्टीपल टू से कर दो हाइड्रोजन फोर हो गया क्लियर कैल्शियम वन बैलेंस हाइड्रोजन फोर टू टू या फोर हाइड्रोजन टू टू फोर बैलेंस ऑक्सीजन कितना है टू ये हो गया ऑक्सीजन तो टू ही ऑक्सीजन यहां है तो ये इक्वेशन में हमारी क्या हो गई बैलेंस हो चुकी है ओके okay, दोस्तों स्क्रीन शॉर्ट ले सकते हो लेना चाहो तो ओके नाउ नेक्स्ट इक्वेशंस नेक्स्ट इक्वेशन हमारी और आती है अभी कुछ रिएक्शन और हैं तो इससे आप लोगों को अच्छा हो जाएगा तो नेक्स्ट रिएक्शन एक और आती है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड ऑफ सल्फर इज डाइऑक्सा सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म वॉट सल्फर ट्राई क्या है बेटा सल्फर ट्राई बना रहा है ये ओके okay? देखते हैं सल्फर ड्राई का फॉर्मूला सल्फर ट्राई थ्री मीन ट्राई ऑक्सीजन है ट्राई ऑक्साइड ओके अब देखते हैं इसमें क्या करना है तो कुछ नहीं करना बेटा यहाँ पर टू लगा के देखो सिंपल मैंने कहा था वन से नहीं हो रहा टू लगा के देखो एस का टू हो गया तो यहाँ भी एस का क्या करना है टू करना है सल्फर बैलेंस हो चुका है ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर टू थ्री या सिक्स है o, 2, 2 जा, 4 और टू टू या फोर टू सिक्स ऑक्सीजन सिक्स सिक्स हो गया तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया इसी के साथ हमारी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है नेक्स्ट इक्वेशन आती है क्या Na ए प्लस ओ टू एन ए प्लस ओ टू एन टू फॉर्म एन ए टू ओ ठीक है सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है सोडियम ऑक्साइड दिस वन इज द सोडियम ऑक्साइड तो बात करते हैं ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर टू है और यहां पर ऑक्सीजन एक है तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा टू यहाँ नहीं लगाना है हमेशा यहाँ स्टार्टिंग में ही लगाना है कोफिशियंट स्टार्टिंग में लगता है आगे नहीं लगता कोफिशियंट कोफ़िशियन का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड की क्वांटिटी को बताते हैं कि कितने मोलिक्यूल्स है कितने मोल्स हैं ये ओके तो स्टार्टिंग में लगेगा यहाँ नहीं लगेगा यहाँ लगेगा तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा अगर हम लिख देते हैं एन ए टू ओ टू तो ये तो किसी का फॉर्मूला होता ही नहीं है ओके okay? अब हम कहेंगे एन ए टू ओ ही कैसे कहें कि ये फॉर्मूला होता है तो बेटा ये क्लास नाइन्थ में तुम लोगों ने पढ़ा होगा वैलेंसी कि सोडियम की वैलेंसी होती है वन और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है टू तो दोनों की क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो एन ए का टू आ जाता है और ओ का सिंगल आ जाता तभी सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है एन ए ओ एन ए टू ओके नाउ तो अब बात करते हैं इसकी कि क्या है ऑक्सीजन कितना हो गया टू ऑक्सीजन यहां पर कितना टू है सोडियम कितना हो गया टू टू या फोर तो यहां पर सोडियम कितना हो गया फोर तो ये बैलेंस इक्वेशन ये भी बैलेंस हो चुकी है नेक्स्ट इक्वेशन आती है एच टू ओ टू एच टू ओ टू टू फॉर्म एच टू ओ प्लस ओ टू एच टू ओ टू क्या है ये ये है हाइड्रोजन पैरोक्साइड हाइड्रोजन पैरोक्साइड हाइड्रोजन पैरोक्साइड जब डिकम्पोज हो जाती है डिकम्पोज हो जाती क्योंकि है क्योंकि हाइड्रोजन पैरोक्साइड को अगर हम एयर में रख देते हैं या डिकम्पोज हो जाती है और क्या बना लेती है वाटर और ऑक्सीजन बना लेती है ओके okay? नाउ अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे देखेंगे भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर दिखाएगा कुछ ओके हाइड्रोजन टू है हाइड्रोजन टू है तो हमें ऑक्सीजन से देखेंगे कुछ है क्या ऑक्सीजन यहां पर टू और वन थ्री है थ्री है ना अलग अलग अगर थ्री एक जगह होता तो टू था हम दोनों बैलेंस का कर लेते सिक्स कर लेते बट अलग अलग है तो यहां पर नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है टू यहां पर है तो कोशिश करो कि यहां पर भी टू लगा लो टू टू कितना हो गया फोर ऑक्सीजन का यहां पर कितने क्या लगा दो टू लगा दो तो टू टू या फोर ऑक्सीजन फोर हो गया हाइड्रोजन टू टू या फोर तो टू टू या फोर हाइड्रोजन भी फोर ऑक्सीजन भी फोर तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है ओके नाउ नेक्स्ट इक्वेशन एम जी ओ एच टाइस एम जी ओ एच ट रिएक्ट विद वॉट एच सी एल एच सी एल एंड टू फॉर्म एम जी सी एल टू एंड प्लस वॉट एच टू ओ तो देखो दोस्तों क्या सिंपल सी रिएक्शन है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर तो बात करते हैं अगर देखो क्या चीज़ दी हुई है इसमें सबसे पहले हम बात देखेंगे सी एल कितना है यहाँ पर टू है और यहाँ पर सी एल कितना है वन है तो क्या करेंगे हम टू लगा लेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में कॉफिशियंट तो सी एल कितना हो गया टू सी एल यहाँ भी टू है सी एल हो गया बैलेंस एम जी वन है यहाँ एम जी वन है तो एम जी भी बैलेंस एम जी और सी एल दोनों बैलेंस हो गए बचा क्या एच और ओ बचे तो एच का कितना हो गया टू ये हो गया एच का और टू यहाँ है फोर हो गया वो H का तो H का टू यहाँ तो टू ही है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ है, ऐड कर सकते हैं टू टू जो फोर टू टू फोर हाइड्रोजन बैलेंस एंड ऑक्सीजन कितना हो गया टू हो गया तो ऑक्सीजन यहाँ भी ऑलरेडी बेटा क्या है टू है तो ये भी हमारी क्या हो गई बैलेंस हो चुकी है नेक्स्ट रिएक्शन एफ ई ओ एफ ई प्लस ओ टू, टू रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है Fe2O3 इसमें हम वो फॉर्मूला जो भी हमने बताया था वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्या ए की कंपाउंड में थ्री और यहां पर टू है लगा दो टू यहां लगा दो थ्री यहां लगा दो तो टू थ्री या सिक्स थ्री टू या सिक्स ओके ऑक्सीजन बैलेंस आयरन कितना है टू टू या फोर तो यहां पर फोर लिख दो आयरन बैलेंस हो चुका है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए एल ए एल, एल ओ एच थ्राइस ये क्या है बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होके क्या बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री एंड प्लस साथ में क्या बना रहा है वाटर बना रहा है तो देखते हैं कैसे होगी रिएक्शन तो सबसे पहले कुछ नहीं करना बेटा देखो इसमें एल्युमिनियम कितना है एल्युमिनियम टू है तो ये एल्युमिनियम एक है तो यहाँ पर क्या लगा दो टू लगा दो कुछ बच्चे कहेंगे सर एल्यूमिनियम का तो यहाँ भी थ्री दिख रहा है पर थ्री बेटा इसका नहीं है थ्री ये ओ आर एच है एल्यूमिनियम नहीं है ओके okay, तो यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम टू बैलेंस एल्युमिनियम नाउ देखेंगे अब हाइड्रोजन कितना है टू थ्री जा सिक्स टू थ्री जा अगर ये टू लगेगा तो सबका मल्टीपल अभी बताया था पहले भी मैंने कि टू थ्री जा सिक्स तो हाइड्रोजन कितना हो गया सिक्स तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है टू है तो यहाँ थ्री से मल्टीपल कर दो थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन कितना हो गया थ्री ये हो गया और थ्री ये हो गया ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कितना हो गया सिक्स और टू थ्री जा सिक्स तो ऑक्सीजन भी क्या है सिक्स है तो हमारी ये इक्वेशन भी क्या हो चुकी है बैलेंस हो चुकी है ओके okay? नेक्स्ट दोस्तों फिर देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन हमारी आती है अमोनिया फॉर्मूला ऑफ अमोनिया एनएस थ्री एंड कॉपर ऑक्साइड सी यू ओ रिएक्टेड टू फॉर्म एंड टू फॉर्म द सी यू कॉपर नाइट्रोजन गैस एंड प्लस वॉट वाटर वन इज करेक्ट ना ओके नाव कैसे करेंगे इसको सबसे पहले हम देखें सी यू एक है सी यू एक है ऑक्सीजन यहां पर भी एक है एन टू एन टू ओके नाइट्रोजन ने हमें इंडिकेट कर दिया कि यहां पर एन के टू है और यहाँ पर एन का वन है तो क्या करना है बेटा यहाँ पर टू लगा दो एन का टू हो गया एन का टू हो गया बैलेंस ओके नाओ हाइड्रोजन देखेंगे कितना है टू थ्री जा सिक्स है कितना हाइड्रोजन सिक्स है तो हाइड्रोजन यहां टू है तो यहां पर क्या लगा दो थ्री लगा दो क्या लगाना है थ्री हाइड्रोजन लगाना है टू थ्री या सिक्स थ्री टू या सिक्स हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया अब ऑक्सीजन और कॉपर बचा तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ थ्री हो गया ऑक्सीजन यहाँ कितना है वन है तो यहाँ पर क्या लगा दो थ्री लगा दो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया अब कॉपर कितना है थ्री और यहाँ पर कितना है वन तो यहाँ भी थ्री लगा दो इसी के साथ हमारे सब एलिमेंट्स क्या हो गए बैलेंस हो गए तो हमारी ये क्वेश्चन बैलेंस हो चुकी है नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस क्या है बेटा इसका नाम बताओ एन ए ओ एच एन एच एंड क्या बन रहा है आगे आगे बन रहा है ए एल ए एल ओ एच थ्राइस और प्लस एन ए टू एस ओ फोर बेटा इसका फॉर्मूले का नाम जानना जरूरी है ये क्या होता है एलुमिनियम एस ओ फोर सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट क्या नाम है इसका एलुमीनियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम क्या है यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज ओ एच क्या होता है हाइड्रोक्साइड एन ने क्या हो गया सोडियम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यह क्या हो गया ओ एच हाइड्रोक्साइड एल एल्यूमिनियम तो क्या हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अब यह क्या सोडियम एसओ फोर हो गया सल्फेट तो सोडियम क्या हो गया सल्फेट क्लियर नाउ अब बैलेंस करते हैं देखते हैं क्या है ए एल का यहाँ पर कितना है टू है ए एल का यहाँ पर वन है तो क्या कर दो टू लगा दो तो बेटा बिना बिना कुछ सोचे तो ए एल का टू ए एल टू बैलेंस हो गया अब SO4 फोर कितना है एसओ फोर है थ्री यहाँ एस फोर कितना है वन है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग में थ्री लगा तो एसओ फोर थ्री हो गया ए एल भी एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया और सर एस ओ फोर भी बैलेंस अब देखते हैं सोडियम कितना हो गया थ्री टू जा सिक्स तो सोडियम के आगे बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा दो सिक्स लगा दो सोडियम भी बैलेंस हो गया अब बात आती है हमारी किसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन कितना है सिक्स है एन एच के आगे सिक्स लगाओ तो सभी का सिक्स है ये एन ए तो सिक्स हो गया ओ का भी कितना हो गया सिक्स हो गया तो ओ का कितना हो गया टू थ्री जा सिक्स तो ऑक्सीजन कितना हो गया सिक्स अभी बताया था कि स्टार्टिंग में कॉफिशेंट लगेगा तो सबका मल्टीपल होगा वो ये ऑलरेडी थ्री है तो इसका जो मल्टीपल हो गया सिक्स हो जाएगा ओके ना तो ऑक्सीजन कितना हो गया टू थ्री या सिक्स हो गया हाइड्रोजन कितना है सिक्स तो हाइड्रोजन टू थ्री या हाइड्रोजन भी सिक्स हो गया और इसी के साथ हमारी इक्वेशन ये भी बैलेंस हो चुकी है नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 अभी हमने लास्ट में भी इक्वेशन की थी है, तो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी एच ट्वाइस और क्या बन रहा है ये बनेगा कैल्शियम सी ए एन ओ थ्री ट्वाइस एंड प्लस साथ में बनता है वाटर देखते हैं कुछ नहीं अभी प्लास्ट की जैसे अभी ये इक्वेशन आई है तो NO का थ्री एन ओ का टू है तो टू लगा दिया यहाँ पर एनओ थ्री टू हो गया ओके कैल्शियम वन है कैल्शियम वन है एनओ थ्री टू है एन ओ टू है अब एस का कितना हो गया? हो गया टू ये हो गया टू ये हो गया फोर तो टू ये लगाया फोर ओ का टू हमारी इक्वेशन हो चुकी है ये ओके क्योंकि देखते हैं एन ओ थ्री का कितना हो गया टू हो गया एन ओ थ्री का टू हो गया सी ए का वन सी ए का वन हो गया एन ओ थ्री सी ए दोनों बैलेंस हो गए अब बात करते हैं एच की तो एच टू टू जब टू टू फोर एच का फोर हो गया अब ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया टू है ऑक्सीजन का यहाँ पर टू है तो नाइट्रेट ऑलरेडी बैलेंस है ऑक्सीजन का टू है तो ऑक्सीजन का यहाँ टू इसी के साथ ही वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है नेक्स्ट इक्वेशन आती है क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड एन NaOH एच रिएक्ट कर रहा है किसके साथ सल्फ्रिक एसिड के साथ एच टू फोर के साथ और साथ में कंपाउंड बना रहा है एनए टू फोर और किसके साथ में वाटर के साथ में ओके एन ए यहां पर टू है तो कुछ नहीं सोचना बेटा टू लगा दो बिना कुछ सोचे समझे पहले देख लो खुद ही रिएक्शन बताती है कि हमें ये लगना है एन ए का टू है तो टू एन ए लगाया एन ए बैलेंस एसओ फोर कितना है सिंगल है तो एसओ फोर यहां भी सिंगल है रहने दो नाउ एच का देखेंगे कितना एच का यहाँ टू है और यहाँ पर कितना टू तो ये रहा और टू ये रहा फोर है तो यहाँ पर क्या लगा दो टू हाइड्रोजन बैलेंस सल्फेट बैलेंस सोडियम अब ऑक्सीजन को बैलेंस देखते देखो ऑक्सीजन कितना है टू है तो ऑक्सीजन का यहां भी कितना है टू है क्योंकि ये सल्फेट है बेटा सल्फेट तो पहले ही हो चुका है तो सल्फेट में ऑक्सीजन नहीं गिनेंगे अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे ऑक्सीजन टू है और ऑक्सीजन हमें अभी टू लगा हुआ तो हमारा टोटल ये बैलेंस हो चुका है ओके नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन आती है बी ए सी एल टू रिएक्ट हो रहा है किसके साथ एस टू एसओ फोर के साथ और साथ में बना रहा है बी ए एस ओ फोर और इसके साथ बन रहा है एस सी एल बी ए सिंगल है बी ए सिंगल हो गया सी एल कितना है टू है तो सी एल पर वन है तो यहां पर क्या लगाना है टू लगाना है सीएल के टू हो गया एच के टू है तो एच के ऑलरेडी यहाँ भी टू है एस ओ फोर एक है तो एस ओ फोर यहाँ भी एक है तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है ओके नेक्स्ट ये दिस द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे ये लास्ट क्वेश्चन आता है एन एस थ्री अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म एन टू गैस एंड प्लस एच टू ओ तो बैलेंस करते हैं इक्वेशन को एन का टू है और एन का यहां पर वन है तो क्या करना है टू लगाना है बेटा एन का टू हो गया एन का टू एन बैलेंस हो चुका है नाउ हो एच को देखेंगे एच यहां पर कितना टू थ्री या सिक्स एच का कितना है सिक्स तो यहां पर टू है और यहां थ्री लगाएंगे तो सिक्स हो जाएगा ऑक्सीजन कितना हो रहा है हमारा थ्री हो रहा है ऑक्सीजन यहाँ टू है नहीं तो बेटा ये नहीं लगेगा दूसरा लगेगा यहां पर कोई ये नहीं लगेगा ओके देखते हैं टू से नहीं थ्री से काम चलाते हैं यहाँ पर टू से देखते हैं टू और लगाते हैं अगर एन टू लगा दिया एन का कितना हो गया एन का अगर वन से काम नहीं चला तो टू लगाते हैं फिर टू टू जा फोर एन का फोर हो गया तो एन का यहाँ भी फोर लिख दो क्लियर हाइड्रोजन कितना, कितना हुआ फोर थ्री या ट्वेल्व हाइड्रोजन कितना हुआ ट्वेल्व तो टू सिक्स जा ट्वेल्व हाइड्रोजन बैलेंस हो गया अब ऑक्सीजन कितना है सिक्स है तो ऑक्सीजन यहाँ पर टू है टू की मल्टीपल कितने से की जाए थ्री से की जाए तो थ्री टू जा सिक्स एन बैलेंस एच बैलेंस एंड ऑक्सीजन ऑल्सो बैलेंस सो दिस वन ऑल्सो द बैलेंस हो चुकी है तो दोस्तों यही आज का हमारा टॉपिक था बैलेंस हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आई होप कि समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद